21 से लेकर के 23 तीन दिनों के अंतर्गत पटना में 7,702 वाहनों पर 64,64,000 का फाइन किया गया है। दशहरे मेले के दौरान अगर आप भी ट्रिपल लोडिंग और बिना हेलमेट के अगर आपने गाड़ी चलाई है तो चेक कर लें अपना चालान, आपको भी आया होगा आपके मोबाइल पे विधि सम्मत चालान। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24, मैं हूं अजय कुमार। आपको बता दें कि दशहरे पर्व को लेकर के ट्रैफिक SP के नेतृत्व में गहन जांच अभियान और सारे जगहों पे जो लहरिया कट चलाते हैं, रश ड्राइविंग करते हैं, उनके खिलाफ गहन जांच अभियान चलाया जा रहा था। आपको बता दें कि दशहरे पर्व को लेकर के 7वीं, 8वीं, 9वीं के दिन तीन दिनों के अंदर 66,66,000 का टोटल फाइन काटा गया है तीन दिनों के अंदर। अगर वाहन की संख्या की बात कर ली जाए तो 7,000 से अधिक वाहनों पर चालान काटा गया है। वहीं पर अगर बात कर ली जाए ट्रिपल लोडिंग और बिना हेलमेट के जो लोग थे उन पर चालान काटा गया है, और साइलेंसर जो मॉडिफाई कराए हुए थे उन पर भी चालान काटा गया है। मामले पर ट्रैफिक SP पूरन झा क्या जानकारी देते हैं, जरा देखें। जी, हम लोगों ने पिछले दो दिनों में IEEE के माध्यम से चालान कट ही रहा था। इसके अलावा एक विशेष अभियान चलाया जिसके अंतर्गत रैश ड्राइविंग करने वाले लोगों के ऊपर फाइन किया गया है। जी, 21 से लेकर के 23 तीन दिनों के अंतर्गत पटना में 7,702 वाहनों पर 64,64,000 का फाइन किया गया है। जी, यह मुहिम हम लोग ने IEEE के माध्यम से चलाया था। इसके अलावा जो भी पटना के हाई ऐसे एरिया हैं जहां लोग हाई स्पीड में गाड़ी चलाते हैं, खास करके JP गंगा पथ, पाटलिपथ एवं अटल पथ, उन पर यह अभियान विशेष रूप से चलाया गया था। सर, कई ऐसी गाड़ियां हैं जो अदर एजेंसी से भाड़े पर लेकर चलाते हैं, या कई ऐसी गाड़ियां जैसे नंबर प्लेट पर वो कुछ अलग से स्टिकर लगाते हैं, वैसे कई गाड़ियां पकड़ाने का क्या? जी, इन दिनों हम लोगों ने जो इस तरीके का अभियान चला उसमें 25 गाड़ियां इस तरीके की पकड़ी, इसमें नंबर प्लेट टैम्परिंग किया गया है। जो एजेंसी से गाड़ी भाड़े पर लेते हैं, क्या अभी कोई ऐसा अभियान है जिसको लेकर के कुछ छानबीन किया जा रहा है? हाँ, हम लोग जो पेंडिंग चालान काट रहे हैं, यदि ये वाहन दोबारा पकड़े जाते हैं तो इनसे पेंडिंग राशि भी वसूल की जाती है। साथ ही साथ आने वाले समय के लिए हम लोग प्लान कर रहे हैं कि इस तरीके का अभियान एक विशेष रूप से चलाया जाए। जी, 15 वाहन ऐसे हमने जब्त किए जिनमें साइलेंसर मॉडिफाई किया हुआ है या साइलेंसर निकाला गया है। इस संबंध में आज MVI को बुलाया गया था फाइन करने के लिए। तब तक में हो पाया है? जी, विसर्जन के लिए हम लोगों ने मुख्य रूप से जो भी चौक चौराहे हैं या घाट के आसपास ट्रैफिक पुलिस बल की तैनाती की गई है। रश ड्राइविंग और तेज वाहन चलाने वालों पर नकेल कसी जा रही है, क्या आज भी वो कार्रवाई देखी जाएगी? जी, अभियान लगातार चलता रहेगा, आज भी हम लोग इस प्रकार की कार्यवाही देर रात्रि में करेंगे। जाहिर सी बात है कि ट्रैफिक SP ने साफ तौर से कह दिया है कि यह जो अभियान है लगातार यह चालू रहेगा, और मरीन ड्राइव और राजधानी में इस तरीके से जो लहरिया कट चलाते हैं और रश ड्राइविंग करते हैं उन पर लगातार चालान काटी जाएगी। वहीं पर ट्रैफिक SP ने बताया कि जो लहरिया और रश ड्राइविंग कर रहे थे उनके खिलाफ कई ऐसे मामले थे जिसमें उनका जो DL है कैंसिल करने के लिए भेजा गया है। तो हम ऐसी छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें NBC 24।